नमस्कार दोस्तों, मैं शान से कैसे आप दोस्तों वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश क्या आपकी जिंदगी बेहतर सुंदर माइंड ब्लोइंग मन ब्लास्टिंग ठा बन जाए जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, कल है सोमवती अमावस्या, है कि नहीं? ये जो दिन होता है पितरों की शांति के लिए, नवग्रह की शांति के लिए अति उत्तम है। जिनको भी डिप्रेशन की परेशानियां है, जिनको भी कहते हैं ना पत्री बड़ी जबरदस्त है, सब कुछ एक से बढ़कर एक चीज है, दशाएं अच्छी चल रही है लेकिन उनको पता नहीं चलता, अननोन प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, अज्ञात समस्या जिसका कोई पता नहीं कि क्यों है। अगर तो ये चीजें हो रही हैं, सिर्फ तीन चार चीजें बताऊंगी, जबरदस्त बताऊंगी, लेकिन तब बताऊंगी जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। मेरा दिल मत तोड़ो, है कि नहीं? ठीक है ना, तो अब हम शुरू करते हैं कि क्या चीज हमें कल करनी है। सबसे पहले तो जिनके भी घर में विवाह से रिलेटेड समस्या आ रही है, जिनकी भी शादी नहीं हो रही है, शादी हो गई है तो टिकने में दिक्कत आ रही है, एक महा उपाय बताती हूं, जबरदस्त सी चीज जो आपने करना है। ये हर अमावस्या को आपने करना है, इस चीज का आपने ध्यान देना है। अब आप क्या करोगे, पीपल पे पानी और उसके अंदर जल और फूल जो है, इस चीज को पीपल पे अर्पित करोगे सुबह जाकर। इसके बाद में आपने 9 परिक्रमा करके, जो पीला सूती धागा होता है उसकी 9 परिक्रमा कर देनी है, और अपनी मनोकामना जो भी है कि मेरे रिश्ते को अच्छा करो, है ना, जो भी जिनको भी जिनका तो विवाह नहीं हो रहा तो ये वो करें जिससे कहते ना अच्छा वर मिलेगा ये। लेकिन आपको एक बार से बात नहीं बनती, इसको तो आपको रिपीटेडली 9 अमावस्या करना पड़ेगा। जो आज मैं आपको ये चीज बता रही हूं इसको कंटिन्यूटी में करना, बात ना बने तो बोलना। दूसरी चीज आपको एक चीज बता देती हूं जबरदस्त, मैं कहती हूं आपको क्या ही बोलू, जिनको भी कारोबार से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जिनको भी धन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, कारोबार नहीं चल पा रहा, आपने ये कल करना है, और कल मतलब 5 दिन इसको टोटल में कंटिन्यूटी में करना है। कारोबार नहीं चल रहा है, जॉब नहीं मिल रही है, पैसे नहीं आ रहे हैं, क्या चीज नहीं हो रही है पाशा लोगों? जबरदस्त सी चीज बताने जा रही हूं। अब आपने ये करना है, अपने तुलसी जी का पौधा तो आपके घर पे होगा, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है उसको लेके आओ, सीधी सी बात है। कल आपने इसको शाम को करना है तो कल सुबह ले आओ, आज तो संडे है तो कम से कम ला तो सकते हो, कल सुबह जाकर ले आना, आज तो संडे, कल संडे को तो वैसे भी तुलसी जी को हाथ लगाते नहीं, आपको भी पता है, बहुत बार बता चुकी हूं। तो अब आपने जो चीज करनी है वो क्या करनी है, आपने कल शाम को या रात को अमावस्या होती है ना, वही मतलब अपना निश्चित काल में करो, 9 बजे के बाद कर लेना या 8 बजे के बाद कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट ये रात को करना है। अब आपने क्या करना है, अब तो एक तो सरसों का तेल का दीपक जलाओगे, उसके साथ साथ आपने क्या करना है, उसके साथ साथ आपने एक पान का पत्ता रखना है, उसके ऊपर धान रखनी है और एक हल्दी की गांठ रखनी है, वहां पर बैठकर अपनी मनोकामना मांगो कि मेरा जो भी कहते ना मेरा जो कारोबार है, मुझे जॉब से रिलेटेड, जो धन से रिलेटेड समस्या है मेरी, वो पूरी हो जाए। जो भी मनोकामना है वहां पर बैठकर मांगोगे आप, है ना, ये चीज जप जप जप, ये चीज हो गई। हर चीज का लोग जपते रहते हैं कि हमारा ये हो ही नहीं रहा, प्रॉब्लम। जब इस चीज का जप छोड़ के ऊपर वाले का जप करोगे, और जो चाहिए उस चीज का जप करोगे कि ऑलरेडी है और मिल गया, तो चीजें बनती चली जाएंगी और कोई रोक नहीं पाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जबरदस्त सी चीज बताऊंगी। जिनको भी पितृ दोष है, पितृ दोष जब होता है तो हर तरह की समस्या आती है, एक तो वंश बढ़ने नहीं देता, दूसरी चीज शादी विवाह में दिक्कत आती है, कोई भी मंगल काम में दिक्कत आती है, स्ट्रगल्स बढ़ती चली जाती है। अब जिस पितृ दोष की मैं बात कर रही हूं वो क्या है, मैं ये नहीं बोल रही जो पूर्वज, जैसे कई लोग बोलते हैं पितर आपसे बड़े नाराज है, वो चले गए, बहुत नाराज होकर चले, भाई हमने क्या बिगाड़ दिया पहली बात तो, और जब वो पाखंड की दुकानें ये बोलती है कि हम पूजा कराएंगे, शांति कराएंगे, पितर तुम्हारे करने से मेरे कहते हैं ना घर वाले कैसे खुश हो जाएंगे, मुझे तो आज तक समझ नहीं आई।
पाखंड की दुकानों से बंद रखना। देखो देखो हम पूजा कर रही है, पूजा एकदम फोटोशूट। अंगूठी ले लो, पत्थर ले लो, क्या कहते हैं है ना, ये सारी चीजें, कछुए की रिंग ले लो, ये लो जी पोटली, एकदम पैसा आएगा धन वर्षा। बंदा ऊपर देखता रह जाएगा ये भैया बारिश तो हुई नहीं पैसों की। ये बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। अपने कर्म को सुधारो, अपने कर्म से अपनी किस्मत बनाओ, तभी बात बनेगी वरना नहीं बनेगी। बार बार बोलूंगी, बार बार बोलूंगी, इनके जो पंडित हैं, इनके बिजनेस पार्टनर्स हैं, मेरे को कोई डर नहीं लगता। आपकी जिंदगी सुधरेगी नहीं, बस इन्हीं चीजों में रह जाओगे, सीधी सी बात है। तो अब आपने इसके बाद में जब ये आप तुलसी जी का कर दोगे, अब आप क्या करोगे, अब अपने साउथ एरिया, साउथ डायरेक्शन में फेस करके आपने एक सरसों का दीपक जलाना है, उसके अंदर एक सिक्का रख देना है। सिक्के रखने के बाद में अब आप क्या करोगे, एक मिट्टी की हांडी में आपने खीर रख देनी है साउथ एरिया में, और आपने जप करना है। क्या जप करना है? ओम प्राम पितृ प्रसन्नो भवा, दिख रहा होगा, जबरदस्त जबरदस्त, इसका आपने जप करना है। कितना जप करना है आप जानो, आपकी समस्या ज्यादा है, 5 माला करो, 10 माला करो, 1 माला करो, आप देखो ना आपको कितनी ज्यादा, आपको कितनी जल्दी अपने काम बनाने की। इसमें पितरों की शांति होती चली जाएगी, हर अमावस्या को करना। ये जादुई कहते हैं ना, ना कष्ट खत्म होते चले गए तो बोलना, ना कष्ट खत्म होते चले गए तो बोलना। इस चीज को कंटिन्यूटी में आपने करना है, हर अमावस्या को करोगे। इसके बाद में ये जो खीर है ये आपने जाकर दे देना, ये जाकर आप कहते हैं ना, आप बांट देना, खीर को बांट देना, मिट्टी की आंटी किसी को दे देना। अब ये मत बोलना के क्या कहते हैं, अभी जाए या बाद में जाए, अमावस्या है तो जाओ ना, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत क्या, नीचे किसी को दे दो, किसी के मुंह तो लगे खीर, सीधी सी बात है ना। और वो जो सिक्का है के सोचना, सोचना ये पितरों का आशीर्वाद है, और ये अपने पास रख देना, क्योंकि जप 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 किया है, इतना जबरदस्त जब जप करते हैं तो क्यों नहीं पितर शांत होंगे। मेरे अगर फादर नहीं है वो मुझसे गुस्सा, मैं ही मनाऊंगी ना अपने फादर को, है ना, मैं ही अपने पापा को मना पाऊंगी, किसी और के मनाने से जी वो हां जी हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा होता है यार, ऐसे थोड़ा होता है। जो लोग बोलते हैं तुम बर्बाद हो जाओगे, घर पे मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लानत है ऐसे लोगों पे, लानत है। कोई नहीं, ऊपर वाला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक से बढ़कर एक चीज बताऊंगी, करने वाले बनना, ए हर दिन एक से एक चीज बढ़ के बताऊंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाजा लोगों, चलो मैं जाता है फिर लौट के आता है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो, अभी करो, वीडियो को लाइक करो, लाइक 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 यार, वीडियो को लाइक तो करो। आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा, और डिसलाइक वालों तुम्हारी ऐसी तैसी, बेवकूफ मत बनाना लोगों को, वैसी लोग अवेयर हो रहे हैं तुम्हारी, तुम देखते जाओ। इतना शोर मचाऊंगी कि दूर दूर तक गूंज जाएगी, देखते जाओ। बाकी शेयर करना पाशा लोगों, शेयर इसलिए करना सबकी जिंदगी ठा हो जाए, मैं कहती ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।